आज हम सभी को पसंद आने वाली राजमा चावल की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप राजमा लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप राजमा लिए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम वॉश कर लेंगे राजमा को। तो मैंने 2 बार इनको पानी से वॉश कर लिया है और अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के और इसे भीगने के लिए रख देंगे। तो मैंने राजमा को इवनिंग टाइम में ही भिगो दिया था, तो मैं इसे ओवरनाइट पानी में सोक कर लूँगी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आप देख सकते हैं राजमा यहाँ पे अच्छे से फूल गया है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। सबसे पहले गैस पे हम प्रेशर कुकर चढ़ा देंगे और उसमें हम भीगी हुई सारी ही राजमा को डाल देंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे हम। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसमें 5 से 6 विसल आने तक इसे कुक कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 विसल आ गई हैं। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया। यहाँ पे मैंने मोटा मोटा ही चॉप किया है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है, इनको भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। और एक टुकड़ा यहाँ पे मैंने अदरक का लिया है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के और पीस देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। वापस से हम गैस पे एक कढ़ाई या पैन चढ़ा देंगे और इसमें हम 3 से 4 चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। 2 पिंच इसमें हम हींग डाल देंगे। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे एक, जो भी आपके पास में खड़े मसाले अवेलेबल हो वो सारे ही डाल दें इसमें। तो यहाँ पे मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी हैं। यहाँ पे मैंने 1 हरी इलायची डाल दी है कूट के। और अभी हमने जो हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसको हम डाल देंगे ऑयल में। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें इसे। तो यहाँ पर मैंने सारी ही प्यूरी को डाल दिया है, मिला देंगे इसे। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, लगातार चलाते रहेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। लगभग 5 से 7 मिनट लग जाते हैं मसालों को कुक होने में। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ऑयल को रिलीज होने तक मसालों को कुक कर लेना है हमें। तो आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं, मसालों ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। इससे ज़्यादा हमें मसालों को नहीं पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें राजमा को। तो पानी के साथ सारी ही राजमा हमें मसालों में डाल देनी है। अब हम इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी की थिकनेस आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है मुझे ये, तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 गिलास जितना। मिक्स कर देंगे वापस से। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, ये थोड़ा गुनगुना ही गर्म था। मैं आपको एक राजमा को दिखाती हूँ, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें लिड लगा देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। तो 5 से 6 मिनट बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी
सब्जी अच्छे से बॉईल होने लगी है राजमा की, मिक्स कर देंगे इसे वापस से। ठंडी होने के बाद में थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है राजमा, तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डाल देंगे, मिक्स कर देंगे वापस से। अब हम इसमें 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी डाल देंगे, मिला देंगे इसको। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी राजमा बनकर के तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने चावल बना के रखे हुए थे, तो ये लीजिए आज का टेस्टी लंच बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।